राम राम श्री भाई ना, मैं आपका दोस्त आलाजी पूरे स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक हर एक मुद्दे पे एक वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो लेके आते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो हम बना रहे हैं, जो मुद्दा जो हमारा वो हमारे मूर्तियों को लेकर ही है। हमारा कोई टॉपिक बदलेगा नहीं और हम सब कुछ जाएंगे भी नहीं। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ सेक्टर 45 और 45 से सीधा जा रहा है हाजीपुर के लिए रास्ता। ये रास्ता पूरा 1 किलोमीटर के दायरे का है और 1 किलोमीटर दायरे में इतनी सारी मूर्तियाँ देखी मैंने कि आप सोच नहीं सकते। वो भी पेड़ों के बीच में रखी हुई है, नाले के पास गिर रखी है। बहुत गलत तरीके से अपमान करा जा रहा है इन चीज़ों का। ऐसा अपमान ना किया जाए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हम लोग आप लोगों से बोलते रहते हैं इस वीडियो के माध्यम। तो हाजीपुर और ये सदरपुर के बीच का रोड जो है 1 किलोमीटर का, इसमें से हमने जो मूर्ति इकट्ठी करी है वो पेड़ों के बीच में रखी हुई थी। और जो इधर नाला दिखाई साइड में, और जो नाला है उधर पीपल के पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं और आगे से हमने कलेक्ट कर ली, उठा ली है। कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर भी हैं। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से मूर्तियाँ पड़ी है। कुछ हमने इकट्ठे कर लिए और कुछ ये पड़ी हुई हैं और भी आगे हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ आगे हैं। तो हमने थोड़े से रास्ते में इकट्ठी करी, अभी और आगे जाना है हमारे को। तो दोस्तों ऐसा ना किया जाए। और जो सदरपुर जो गाँव है और इसके दायरे में जो 1 किलोमीटर रास्ता है, इसमें इतनी मूर्तियाँ हैं और दूसरा कट्टा हमारा रखा हुआ है, क्योंकि कोई भरेंगे, क्योंकि 2 कट्टे भर जाएंगे मैक्सिमम हमारे भर जाएंगे। और दोस्तों जिनकी हमारे को जानकारी दी थी इस चीज़ के बारे में, वो मोनू भाई है, सदरपुर में रहते हैं सेक्टर 45 में, वो ब्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पर। तो उन्होंने अपने ब्लॉग के माध्यम से बताया था और इस वक्त वो हमारे साथ में ही मिलवाते हैं उनसे कि उन्होंने बताया था हमें। मोनू भाई आइए, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। कैसे आप सर? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद कि आप मेरे ब्लॉग को देखे, इनको मेरी हेल्प देने आए और मैंने जो मूर्तियों के लिए बोला था वो आप मूर्तियाँ लेने आए। तो सर ऐसा ना करा जाए, मैं तो पब्लिक से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करा जाए। हम इनकी पूजा करते हैं घरों में, पर डे पूजा होती है, चाहे संडे हो या कोई सा भी हो, और ऐसा ना करा जाए कि यहाँ फेंकना, नाली में फेंकना। अगर आपको नहीं है जगह तो एक नंबर हम इस उस पर शेयर कर देंगे, उस नंबर पर कॉल करो। ये जितने से ज़्यादा होगा ये वीडियो शेयर करो, और जितनी भी मूर्ति आपको मिलती है तो हमें कॉन्टेक्ट करो, हम उठवाएंगे उनको। मैंने इनको 3 दिन से बोल रहा था ये हटाने के लिए, आज इनको टाइम मिला है तो ये आ जाए और मेरे को साथ लेके आए। पता है कि फिलहाल जो भाई बता रहे हैं, मोनू भाई बता रहे हैं कि 2-3 दिन से बरार कॉल करते हैं हमारे पास में, क्योंकि हम यही एरिया नहीं देखते, हम देखते पूरा नोएडा में कहीं भी जा सकते हैं, तो इसलिए आपसे मिल नहीं पाए। इसके लिए हम समझ चाहते हैं, 3 दिन का टाइम लग गया, लेकिन हम और भी जगह पर काम करते यही नहीं है। और हम कुछ से अब वीडियो भी बहुत कम बनाते हैं इस चीज़ पर, क्योंकि हम पर्दे के पीछे काम करना चाहते हैं ना, कि हम पर्दे पे काम करना चाहते हैं, जनता को दिखाए कि भाई हम इस चीज़ में लगे हुए हैं। तो आइए, एक भाई और हमारे साथ में, इनका नाम जानते हैं, क्या नाम है इनका? जी भाई स्वागत हमारे चैनल में, क्या नाम है हमारा? अनिल, अनिल नाम है। तो अनिल जी आप भी इसी रोड से रोज गुजरते हैं? हाँ जी, हम इसी रोड से गुजरते हैं जी। तो ये मोनू भाई और आप साथ में जा रहे थे, तो आपने कॉल करा हमारे पास में, तो आपके पास कॉल की थी हमने जी। तो ये जो रोड पर मूर्तियाँ फेंकते हैं, इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? तो ये रोड पर मूर्ति होनी चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने, मोनू भाई अनिल भाई इस बात को कह रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से भी, हमारे चैनल के माध्यम से भी, कि आप ऐसा ना किया जाए प्लीज़। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ऐसी वीडियो नहीं देखते, इस वीडियो पर नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छी चीज़ों में किसी चीज़ को आदमी को इंटरेस्ट नहीं होता, उनको ऐसी चीज़ें चाहिए जो आजकल जनता को मतलब मांग रही है। ऐसी चीज़ें किसी को धार्मिक चीज़ें किसी को पसंद नहीं है, बस खाली पसंद है मंदिरों में जाना, फोटो खिंचाना और सोशल मीडिया पर डाल देना। तो दोस्तों ऐसा ना किया जाए। अगर आपके पास समय ना हो, बार बार हम कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा नंबर लीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपके आसपास में 2-4 लोग हैं, परिवार रहते हैं, उन इकट्ठा कर लीजिए, तो आप उसको दीजिए, हम उठा लेंगे और हमें फ़ोन कर दीजिएगा, हम वहाँ से ले लेंगे। आप ऐसा ना कीजिए कि इनको रोड में फेंका जाए प्लीज़, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से।